Prudential Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि जनरली हम बोलते हैं सबका दिन आता है, तो फिलहाल यही हो रहा है HDFC के इक्विटी फंड्स के साथ। सालों पहले HDFC के इक्विटी फंड्स टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हुआ करते थे, उसके बाद सालों तक अंडर परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें, लास्ट 1-1.5 साल में, तो फिर से परफॉर्मेंस काफी अच्छा आया है। तो फिलहाल HDFC का समय चल रहा है, HDFC के इक्विटी फंड्स का समय चल रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो मैंने किया था HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था रिसेंट टाइम्स में। और आज जो मैं फंड का रिव्यू कर रहा हूँ, HDFC स्मॉल कैप फंड, लास्ट 1 ईयर में 50% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। और स्मॉल कैप कैटेगरी का अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ये फंड रिटर्न वाइज नंबर 1 फंड है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जानेंगे कि क्या इस फंड का रिटर्न सबसे ज्यादा है लास्ट 1 ईयर में। सिर्फ इसी बेसिस पे क्या हमें इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम HDFC स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, जिससे पता चलेगा कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और साथ ही हम HDFC के फंड का कंपैरिजन करेंगे इसके रिटर्न्स का विद अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। तो अगर आपने दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहां उन फंड्स का भी परफॉर्मेंस आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप HDFC स्मॉल कैप फंड का करंट डेट पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क का रिटर्न रहा है वो 37% का। इस फंड ने रिटर्न दिया 50% का, 1 ईयर में 50% का रिटर्न। लास्ट 3 ईयर्स में भी देखें तो 45% का रिटर्न रहा है, एनुअलाइज रिटर्न है ये डायरेक्ट प्लान का। 5 ईयर्स में देखें तो अबाउट 17% का रिटर्न है, और 10 ईयर्स में देखें तो 21.24% का रिटर्न है। और सारे होराइजन्स में अगर आप देखें तो अपने बेंचमार्क को भी काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। तो यस, करेंट परफॉर्मेंस वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे आप इस फंड का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020, कोविड के समय स्टॉक मार्केट में जो बड़ा करेक्शन आया था उस समय का पीरियड है ये। उस समय देखिए बेंचमार्क कितना गिरा था, ऑलमोस्ट 47%। मैं ये स्लाइड इंटेंशनली ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में इंक्लूड करता हूँ जहाँ भी मैं रिव्यूज करता हूँ फंड्स का, ताकि आप क्लियरली देख सके कि कितने ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। हमने रिटर्न्स देखा, रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा आता है नो डाउट, लेकिन रिस्क भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड्स में। देखिए अगर मार्केट गिरेगा तो ये ऑलमोस्ट 47% ये फंड गिर गया था, ये बेंचमार्क गिर गया था। और फंड भी अगर आप देखें तो फंड भी अबाउट 42% से गिरा हुआ था। तो देखिए यहीं पर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल आता है। तो अगर आप वेरी अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है तो अगर आपका पोर्टफोलियो इतना गिर जाता है तो भी शायद आप डर कर फंड को नहीं बेचें। लेकिन जनरली अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, आपका पोर्टफोलियो अगर 41-42% से गिर जाए तो जनरली हम डर कर अपना म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपको वेरी हाई रिटर्न्स चाहिए, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तभी आप स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो अगेन बेंचमार्क से तो कम गिरा है, तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में भी अगर आप देखें तो बेंचमार्क के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इस होराइजन में भी, इस डेट पे भी परफॉर्मेंस इस फंड का रिलेटिवली एज कम्पेयर टू बेंचमार्क अच्छा रहा है। यहाँ पर आप फंड का रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। देखिए रिस्क पैरामीटर्स अच्छा है, मतलब ज़्यादा रिस्क फंड का नहीं रहा है 3 ईयर होराइजन में अगर आप देखें तो। 19 के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन है, बीटा भी 1 से कम है, सार्प रेशियो अगेन देखिए 2 के आसपास है। HDFC के आजकल ज़्यादातर जो इक्विटी फंड्स हैं उनका सार्प रेशियो 2 के आसपास आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। किसी भी फंड का सार्प रेशियो 2 के आसपास मतलब हुआ कि वो फंड बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। अल्फा भी देखिए 6 से भी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा अल्फा है। 5 ईयर होराइजन में भी देखें तो सार्प रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, रिस्क भी ज़्यादा है रिलेटिवली स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखें तो। अल्फा अगर देखें तो अल्फा ठीक ठाक है, 2.4 का अल्फा अच्छा माना जाएगा।
ना अभी तक हमने जो भी परफॉर्मेंस चेक किया वो चेक किया बेंचमार्क के मुकाबले, लाइक बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो जब भी कोई फंड बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ज्यादातर होराइजन्स में बीट करे तो हम बोल सकते हैं कि वो फंड अच्छा फंड है। लेकिन फंड को एक और मामले में चेक करना चाहिए, एक और पैरामीटर पे आपको जरूर चेक करना चाहिए, फंड का परफॉर्मेंस हमें उस कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके साथ भी कंपेयर करना चाहिए। अगर वहां पे भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा आता है तब तो हम बोल सकते हैं कि वो फंड काफी अच्छा फंड है। तो यहाँ पे हम स्मॉल कैप कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनके साथ इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ऊपर मैंने HDFC स्मॉल कैप ही रखा है ताकि आप आसानी से इसके रिटर्न चेक कर सकें और कंपेयर कर सकें दूसरे फंड्स के साथ। साथ ही आप यहाँ पे एक्सिस, केनरा, रोबिको, एडलवाइस, फ्रैंकलिन, ICICI, कोटक, निपॉन, क्वांट, SBI और टाटा के स्मॉल कैप के फंड्स का डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं। तो देखिए 1 ईयर में तो नो डाउट इनका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है, 50% का रिटर्न है। इतना रिटर्न किसी भी दूसरे फंड ने रिटर्न जनरेट नहीं किया है। और अगर आप दूसरे फंड्स को देखें तो एक्स यहाँ पे टॉप में केनरा रोबिको है, कोटक है और SBI स्मॉल कैप है, जो कि अपने बेंचमार्क को लास्ट 1 ईयर में बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये तीनों ही फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं। कोई एक साल में अगर कोई फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो फंड खराब हो गया है, ये काफी अच्छे फंड्स हैं। तो यहाँ पे 3 ईयर में भी अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो 45% का परफॉर्मेंस रहा है, 5 ईयर्स में भी अबाउट 17%, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे फंड्स के मुकाबले, और 10 ईयर्स में भी 21 से ज्यादा का रिटर्न है, 21%। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो 1 ईयर में तो काफी अच्छा है, 3 ईयर में भी काफी अच्छा है, 5 ईयर और 10 ईयर में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। सो ओवरऑल HDFC स्मॉल कैप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पास्ट में तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। ना अभी तक हमने HDFC स्मॉल कैप फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे ये क्लियर है कि एक अच्छा फंड है ये। और अब हम HDFC स्मॉल कैप फंड के दूसरे डिटेल्स भी चेक करेंगे, लाइक इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो। उसके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये फंड हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, क्या हम अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। हमेशा ध्यान में रखें कि अगर किसी फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इमीडिएटली उस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। हमें देखना है कि वो फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है या नहीं। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखें कि सिर्फ लास्ट 1 ईयर के हाई रिटर्न्स पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक्सिस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। ऑफकोर्स अभी भी एक अच्छा फंड है, लेकिन रिटर्न्स मैं बोल रहा हूँ, एक समय बहुत ज्यादा रिटर्न्स आया करता था। उसके बाद आपने देखा होगा क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा था, अभी भी ज्यादा है लेकिन रिलेटिवली पहले और ज्यादा आ रहा था। उसके बाद आपने देखा होगा केनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा था, थोड़ा डाउन हुआ है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, अब थोड़ा लाइक नंबर वन हुआ करता था लास्ट 1 ईयर के रिटर्न पे, थोड़ा कम हुआ है, अभी भी काफी अच्छा है नो डाउट। और फिलहाल HDFC का रिटर्न सबसे ज्यादा आ गया है लास्ट 1 ईयर। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ लास्ट 1 ईयर के वेरी हाई रिटर्न के बेसिस पे किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। आप सिर्फ ये देखिए कि वो फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है कि नहीं, और सुटेबिलिटी आप कैसे देखेंगे इसके बारे में हम वीडियो में आगे जाते हैं। यहाँ पर आप फंड का AUM, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एक्सपोजर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो AUM तो काफी बड़ा हो गया इनका, सो 18,600 करोड़ के आसपास काफी बड़ा AUM है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। बेंचमार्क देखिए इनका S&P BSE 250 स्मॉल कैप, मतलब कि ये अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में करते हैं, दैट्स वाई इस फंड को बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.8 के आसपास है, डायरेक्ट प्लान के लिए थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है ये। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग 14.46 काफी कम है, खासकर स्मॉल कैप फंड के लिए। इससे यही पता चलता है कि वैल्यू स्टॉक्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। इनफैक्ट HDFC के ज्यादातर इक्विटी फंड्स का अगर आप देखें एक्सपोजर तो वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा ही रहता है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि HDFC के इक्विटी फंड्स का जो रिसेंट परफॉर्मेंस आया है वो काफी अच्छा आया है। एनुअल टर्नओवर काफी कम है, 8%। सो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल लास्ट ईयर इन्होंने नहीं किया है। इनफैक्ट ज्यादातर HDFC के इक्विटी फंड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करते हैं। इक्विटी एक्सपोजर देखें 92% के आसपास है,
सो इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपोजर कैश और डेट में रखा हुआ है, अबाउट 8% के आसपास। फंड मैनेजर है मिस्टर चिराग, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को भी यही मैनेज करते हैं, और स्मॉल कैप को ये 2014 से मैनेज कर रहे हैं, काफी पुराने फंड मैनेजर हैं और ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा रहा है। ये है मार्केट कैप एलोकेशन HDFC स्मॉल कैप फंड का। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, मतलब कि ऐसे फंड्स को 65% एटलीस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, तो यहाँ पे तो इन्होंने 81.5% इन्वेस्ट किया है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी ज्यादा है। ये है सेक्टर एलोकेशन इस फंड का, किन किन सेक्टर्स में फंड ने एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पे सर्विसेज में 22% का एक्सपोजर है, कैपिटल गुड्स में 13.14% का एक्सपोजर है, फाइनेंशियल में 12.63% का एक्सपोजर है। तो इन थ्री सेक्टर्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, साथ ही केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, मटेरियल्स, हेल्थ केयर और टेक सेक्टर में भी एक्सपोजर लिया गया है। ये है, यहाँ पे आप इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में HDFC है, तो इवन स्मॉल कैप में भी आपको PSU तो मिलेगा ही, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलमोस्ट 4% का एक्सपोजर है, काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। साथ ही हमने देखा था इस फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है, तो यहाँ पे वेरी हाई पी के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स का पी काफी कम है। लाइक ज्यादातर स्टॉक्स को अगर आप देखें तो उनका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको काफी स्टॉक्स ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे पी रेशियो काफी कम है, दैट्स व्हाई ओवरऑल जो फंड का पी रेशियो है वो कम है। लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा का आप पी रेशियो चेक करेंगे तो वो 6.8 के आसपास आएगा, टी क्लार्क सर्विसेज का देखेंगे तो अबाउट 18% के आसपास आएगा, इस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का अबाउट 2.3 के आसपास आएगा, PNC इंफ्राटेक का अबाउट 13 के आसपास है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का अबाउट 17.5 के आसपास है, वर्धमान का अबाउट 13 के आसपास है और शारदा के अबाउट 15 के आसपास है। तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहाँ की पी रेशियो थोड़ा कम है, दैट्स व्हाई ओवरऑल फंड का पी रेशियो भी कम है। अभी तक हमने HDFC स्मॉल कैप फंड का जो डिटेल्स चेक किया है तो उससे ये तो क्लियर है कि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस फंड का, खासकर जो रीसेंट परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अब हमें ये देखना है कि जो भी डिटेल्स चेक किया है उसके आधार पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस फंड को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें या नहीं। देखिए, जब भी आपको किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करना है ताकि आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप रिटर्न्स देखेंगे, वो भी 2-3 डिफरेंट डेट्स पे, कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्योंकि हम रिटर्न्स के लिए ही इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न्स ही नहीं आएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या। तो ऑफकोर्स रिटर्न्स तो बिल्कुल हम देखेंगे कि पास्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस आया है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई पास्ट में कंसिस्टेंटली ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, तो चांसेस है कि फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। इसके बाद हम उस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेक करेंगे, दैट इज उस फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है किस तरह का है, दैट इज ग्रोथ और वैल्यू में किस तरह का एक्सपोजर लिया गया है उस फंड में, साथ ही एनुअल टर्नओवर किस तरह का है, लाइक पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चर्निंग है या फिर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है वो फंड। तो एज अ इन्वेस्टर आपका हमेशा कोई ना कोई कंफर्ट होगा, लाइक कुछ इन्वेस्टर्स को वैसे फंड्स पसंद हैं जहाँ पे ज़्यादा चर्निंग ना हो, उन्हें बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी पसंद है, जबकि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि चाहते हैं कि फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा चर्निंग करे और चर्निंग कर कर हाई रिटर्न जनरेट करे। तो ये डिपेंड करेगा, आपको डिसाइड करना आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, उसी तरह से आपको एक्सपोजर कहाँ ज़्यादा चाहिए, ग्रोथ स्टॉक्स में चाहिए, वैल्यू स्टॉक्स में चाहिए, दोनों का मिक्स चाहिए, किस तरह का एक्सपोजर चाहिए एक पर्टिकुलर फंड से। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे आप किस तरह का एक्सपोजर रखना चाहते हैं ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स में। इसके अलावा ऑफकोर्स आप AUM भी देखेंगे कि AUM का कंफर्ट है कि नहीं, लाइक जनरली जो मिड और स्मॉल कैप के फंड्स होते हैं ऐसा माना जाता है कि अगर थोड़ा स्मॉल AUM है तो फंड्स को फंड मैनेजर ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। ऑल दो अभी तक हमने जो भी रिव्यूज़ किया है उससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि बड़ा AUM हो जाने से किसी भी फंड का परफॉर्मेंस ख़राब हो जा रहा है, अभी तक ऐसा नहीं, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देखें बहुत बड़ा AUM है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ रहा है। HDFC का भी अगर आप देखें स्मॉल कैप AUM बड़ा है, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए बहुत बड़ा AUM है, लेकिन रिटर्न्स यहाँ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा AUM हो जाने से परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, खासकर यहाँ ये भी बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि बड़ा AUM के कारण इन्होंने लार्ज कैप के स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लिया, यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, साथ ही आप मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे कि
कि आपको किस तरह का एलोकेशन चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक पर्टिकुलर फंड से। लाइक ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में भी आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगे। लाइक कुछ आपको फंड्स मिल जाएंगे जिन्होंने लार्ज कैप में यहाँ पे भी एक्सपोजर अच्छा खासा लिया हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप के अलावा। तो यहाँ पे अगेन आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का फंड चाहिए। लेकिन अगर आप HDFC को देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है। सिमिलरली सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल में ऑलरेडी जो आपने फंड सेलेक्ट किया है वहाँ किन किन सेक्टर्स में एक्सपोजर ज़्यादा है, किन किन सेक्टर्स में एक्सपोजर नहीं है, आप किन सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए जो चीज़ें मैंने अभी तक यहाँ पे बताई वो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें मार्केट्स का आइडिया है तब तो आप इन चीज़ों को खुद से चेक कर आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है बिल्कुल और आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो फर्स्ट ऑफ कोर्स बेस्ट ये होगा कि आप खुद का जो इन्वेस्टमेंट नॉलेज है उसे बढ़ाएं। उसके लिए आप हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरा आप कर सकते हैं कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से आप हेल्प ले सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। एज ऑलवेज डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस और रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। आप किसी भी फंड या किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर एग्जिट करना चाहते हैं या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप खुद से उसका रिसर्च करें उस फंड या उस स्टॉक का, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।